बजेट्र बड़ कथा दर्शक बंधु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार तृतीय कार्यकाल प्रथम बजेट उपस्थापन कर बजेटे चाषी आरंभ कर युववर्ग और खास करके महिला अधिक फोकस कर रोजगार ठार आरंभ कर कृषि पर्यंत बजेट्र 9टी प्राथमिकता रही। एथर बजेट्रे 1 कोटी युववर्ग को खुशी खबर देखते अर्थमंत्री। बजेट 2024 अर्थमंत्री कहते जे देशर टॉप कंपनी गुड़िकर युववर्ग को ट्रेनिंग दिजाव एपाई मासिक 5,000 टंका भत्ता प्रदान करा जिवो। ए मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना रे अंतर्भुक्त हेबो। युववर्ग केवल 12 मास पर्यंत एही इंटर्नशिप करि पारिबे। एथर बजेटे प्रतिरक्षा विभाग को मिली 4,54,773 कोटी टंका, से भली ग्रामीण विकास विभाग को 2,65,808 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि। ता सहित कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्र पर 1,51,851 कोटी, गृह मंत्रालय पर 1,50,983 कोटी, शिक्षा मंत्रालय पर 1,25,683 कोटी, आईटी एवं टेलीकॉम विभाग पर 1,16,342 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। एति सहित एथर बजेट्रे स्वास्थ्य विभाग पर 99,97,287 कोटी टंका, शक्ति विभाग पर एठी 68,769 कोटी टंका, वाणिज्य एवं शिल्प विभाग पर 47,559 कोटी टंका व्यय अटकल धार्य करा जायछि, जहाँ आज दिन में एक खुशी खबर कहपटे। बजेट्रे मध्यवित्त को नुआ आयकर टिकस व्यवस्था प्रति आकर्षित करने को उद्यम करा जायछि। ए आशा थिला एभली किछि होई पारे, तेणु पुराना व्यवस्था अपरिवर्तित रही नुआ व्यवस्थार स्लाब परिवर्तन होइछि। आयकर क्षेत्र में नुआ टिकस व्यवस्था रे 2टी परिवर्तन होइछि। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रु 75,000 करा जायछि। पेंशनधारी डिडक्शन 15,000 रु 25,000 करा जायछि। सेबळे टिकस स्लाब रे सामान्य परिवर्तन होइछि। पूर्व भली 3 लाख टंका पर्यंत कोनसे टिकस नाही। 3 रु 7 लाख पर्यंत 5%, 7 रु 10 लाख टंका पर्यंत 10%, 10 रु 12 लाख टंका पर्यंत 15%, 12 रु 15 लाख टंका पर्यंत 20% टिकस देवाकू पड़िबो। से भली 15 लाख रु अधिक आयकारी को 30% टैक्स देवाकू हेबो। नवा टिकस व्यवस्था परिवर्तन जगु करदाता 17,500 टंका लाभ पाई परिबे। फाइनेंशियल आसेट रु कैपिटल गेन रे छाड़ सीमा 15,000 टंका रु क्षमा करिवे 25,000 टंका रु 1,25,000 टंका करा जायछि। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टिकस 10 रु 12.5% करा जायछि। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टिकस 10 रु 20% करा जायछि। सबु श्रेणीर निवेशकक लागि एंजल टिकस उच्छेद करा जायछि। विदेशी कंपनी को ऊपर कॉर्पोरेट टिकस 40 रु 35% करा जायछि। I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. संसद 2024-25 आर्थिक वर्ष पर बजेट उपस्थापित होईछि। बजेट उपस्थापन करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। कृषि पर खर्च हेब 1.52 लाख कोटी टंका। कृषि भित्तिक उत्पादन वृद्धि पाई नियाजिव पदक्षेप 10,000 कृषि रिसर्च बायो सेंटर प्रतिष्ठा कराजिबो। जैविक कृषि प्रसार उपरे गुरुत्व दिया जायछि। 1 कोटी चाषी को जैविक कृषि प्रोत्साहन दियाजिबो। पनीपरिबा सप्लाय चेन को दृढ़ कराजिबो। फसल 32 किसमर जारी कराजिबो। Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oilseeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage, and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean, and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. सेपटे शिक्षा क्षेत्र पर भी बजेट बड़ घोषणा होइछि। उच्च शिक्षा पर 10 लाख टंका पर्यंत ऋण मिलिबो। शिक्षा क्षेत्र में मेधावी छात्र छात्री को सहजरे ऋण मिलिबो। मॉडल स्किल ऋण योजना रे 7.5 लाख ऋण मिलिबो। यह द्वारा 25,000 छात्र छात्री प्रति वर्ष उपकृत होई पारिबे। इंटर्नशिप बेले युवकों को मिलिबो आर्थिक प्रोत्साहन। प्रत्येक को 5,000 लेखाए आर्थिक सहायता दिया जिवो। 5 वर्ष रे लाभवान हेबे प्राय 1 कोटी रु अधिक युवक युवती। चाकरी पई तालीम हासिल करिबारे सहायता हेबो। Loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. Education loans. For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies, I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oilseeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage, and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean, and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. आम सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट ओम महापात्र जोड़ी होती अधिक आलोचना करने श्रीयुक्त महापात्र आपको स्वागत करी। ए पूरा बजेट रे मूल बिंदु गुड़िक कौन जहाँ देश को सबुठू अधिक आवश्यकता थी आपण हिसाब रे? धन्यवाद। ई बजेट रे डिस्कशन रे बेसिकली मु देखुती यूथ एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग, आपण कैपिटल एक्सपेंडिचर की इंफ्रास्ट्रक्चर रे जो स्पेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये दिग गुड़ाक देखुची बेसिकली आपण गवर्नमेंट फोकस रही आसी एंड ये बजेट रे भी पूरा प्रतिफलित होउची एंड यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट बेसी फोकस रही यूथ रे कि यूथ मानकर चाकरी पाइबा पर्यंत फ्रेशर माने चाकरी पाइबे केमितिया स्किल केमती बेटर हम केमती चाकरी रे तांकर बेनिफिट हम मॉनिटरी बेनिफिट ये चाकरी दौटी जो संस्था तार केमती बेनिफिट हम ये सब विषय में यहाँ काफी भल पदक्षेप नियाई बजेट से। सिमिलरली एनडीए सरकार जो गवर्नमेंट संगे जो मैंने एलाइज अच्छा से एलाइज मानकर स्टेट को भी काफी मात्रा फोकस रही से स्टेट गुड़ाक आगामी टाइम रे कारण से नहीं कि सरकारटा अच्छी अबिका जोटा माने सस्टेन करि पारिछि। श्रीयुक्त महापात्र देशर सबुठू गुटे बड़ वर्ग कृषि क्षेत्र उपर निर्भरशील कृषि क्षेत्र उपर गुरुत्व अनेक थर दि जाइछि विभिन्न बजेट मानकरे समस्त नजर रही कृषि क्षेत्र को केते एलोकेशन करा जाउछि किंतु गुटे बड़ समस्त नजर रही जे एमएसपी को लेकिन कौन गोटे बड़ घोषणा करा जाउछि कि नाही किंतु आज दिन में एमएसपी को लेकिन कौनसी बड़ घोषणा करा जाई नाही किंतु आज दिन में बजेट रे एठी पाखापाखी 25,000 कोटी रु अधिक टंका एठी दिया जाइछि कृषि क्षेत्र को। यह केते खास करके कृषि क्षेत्र पाई एवं खास करके कृषकों पाई सहायक होई परिबो? डेफिनेटली देखंतु माने एग्रीकल्चर रे गोटे स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट दरकार स्ट्रक्चरल एक्शन प्लान दरकार एंड एटा तो खाली बजेट को नहीं किना होएनी खाली हम एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क तो होएनी एटा गोटे गोटे स्ट्रक्चर प्लानिंग हल्ले जाई किना तारो इंप्लीमेंटेशन हल्ले किना होई एलोकेशन 125,000 कोटी एथर को बराबर को थिला जोटा कि आजिका डेट से 1.5 लाख कोटी पहुंची गलानी एंड ई बजेट एलोकेशन तो 1.5 लाख करोड़ पाखापाखी एलोकेशन होई जोटा कि ओटा स्वागत योग्य बट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर रे करिया को हेले कमर्शियल फार्मिंग कॉर्पोरेट मानन को एंटर करिया को पड़िबो ताकू इंसेंटिव देवा पड़िबो युवा चासी मानन को मोटिवेट करिया पड़िबो चासो को एज अ बिजनेस की एज अ प्रोफेशन को केमितिया से माने अडॉप्ट करिवे ए सब जिनका काफी मात्रा में दरकार चाहले कि ना आपण एग्रीकल्चर का जो हिसाब रे हमें भाबुते एक्सपेक्ट करू छे से सब चेंजेस ए परिव स्ट्रक्चरल चेंजेस ए परिव सबुटो अधिक फोकस युवा वर्ग रहितिले जे एही बजेट तो तांकु कोन मिलुची नियुक्ति क्षेत्र में कौन बड़ घोषणा होची ता उपरे भी समस्त नजर रही था किंतु ए बड़ घोषणा उपरे ए गोटे भी प्रमुख बिंदु आपड़ जानी श्रीयुक्त महापात्र जे खास करके 20 लाख जो युवक युवती रही गोटे बड़ सुजोग या बजेट द्वारा कि कारण यही जगह इंटर्नशिप एवं एजुकेशन लोन उपरे 3% ये ऋण सरकार देवा विचार करुँच 5टी स्कीम आग को अणाई युववर्ग या द्वारा उपकृत हो पारे। ओके श्रीयुक्त ओम महापात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट आम सहित जोड़ी होते अनेक किसी बिंदु आम आलोकपात करुले से महिला क्षेत्र को गुरुत्व दि जावा कथा हो जाऊ कि युवक युवती बा युववर्ग को गुरुत्व दिजा कथा हो बजेट एभली किसी योजना रही किसी स्कीम अच्छी जहाँ हूँ तो यही वर्ग को लाभान्वित कर महिला मानू जो भाव में 3 लाख कोटीर प्रावधान एवं से ही अंतर्गत विभिन्न योजना मध्यम महिला माने उपकृत हो पारे। सोलार एनर्जी उपरे अधिक फोकस करा जायछि, तारे भितरे एग्रीकल्चर उपरे मध्य फोकस करा जायछि। कृषि क्षेत्र उपरे 1.52 लाख कोटी टंका एठी आवंटन करिसेंती केंद्र सरकार, जहाँ समस्तक नजर रही है। किंतु फोकस रे रहिले दुईटी राज्य सबुठू अधिक बिहार एवं आंध्र प्रदेश, जो जगार बिहार को 58.9 हजार कोटी टंका एवं आंध्र प्रदेश को 15 हजार कोटी टंकार साहाय्य मिली सहायता मिली। एक बड़ घोषणा यही दुई राज्य बोली आपण कहिपारे। एजुकेशन लोन भी सबुठू अधिक हाइलाइट यही पूरा बजेट्र एवं प्रथमे जो मैंने चाकरी करुँचंती तांको परे मध्य गोटे बड़ घोषणा करा जायछि बजेट्रे, जहाँ अंततः पक्षे अनेक अंकु खुशी करिथिबो।